इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में लेकर जा रही हूँ जहाँ एक औरत है जो बहुत ही बेबस है। इस औरत की मदद करने के बजाय ये लोग अपने मन में उसके लिए गंदे मंसूबे पाल रहे थे। चौकस माल है, चौकस। ए वहां क्या महफिल जमा के बैठे हो? देख नहीं रहे टेम्पो? वहां से आए लोग हैं, गांव की बदनामी करवाओगे क्या? काका अजी लाइए मुझे। नहीं नहीं काका, राम राम। राम राम। हाँ? काका मैं मदन लाल जी का बेटा भूपेंद्र। भूपेंद्र तुम? अरे भाई मैंने तो सचमुच नहीं तुम्हें पहचाना, कितने बदल गए हो। काका आजकल तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। हाँ? अब मैं गांव में ही रहूंगा, हवा पानी बदलेगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ? काका अगर कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। भाई यहाँ के काका नहीं है हम, सरपंच है। अब तुम इसी गांव के हैं तो तुम्हारे लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा ना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बेहिचक बता देना मुझको। हैं? काका आपने इतना बोल दिया यही बहुत है, मेरा मतलब है सरपंच जी। अरे 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 सुखी रहो। काका बहुत अच्छे इंसान है, तो सरपंच भी बन गए, तुम देखना ये हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बिटिया, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। अरे चाचा जी रहने दीजिए, दिक्कत होगी आपको, बहुत सारा सामान है और भारी भी, हम ले आएंगे। अरे दिक्कत कैसी बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। हाँ बिटिया इसमें दिक्कत की क्या बात है, ऐसे भी बुढ़ापे में कल पुर्जे चलते रहने चाहिए, ले आएंगे वो सामान, तुम आ जाओ बैठ जाओ यहाँ। अरे कल पुर्जे तो मशीन के भी टूट जाए, लेकिन देखो हम ले आए, और आजकल के जवान लड़के लोग दो बैग में खटिया पकड़ लेंगे। अरे बेटा बीमार तो तुम भी लग रहे हो, हैं? और हफ्ता 10 दिन के लिए ये पूरी गृहस्थी उठा लाए। चाचा जी अब क्या कहें आपसे, इनकी तबीयत जैसे ही खराब हुई शहर में हमारा सब कुछ खत्म हो गया, तो हमने सोचा कि अब हम यहीं रहेंगे और यहीं इनका इलाज भी करवाएंगे। अच्छा। अरे अरे इतने दूर से चलकर आए हैं भाग्यवान, कुछ चाय पानी तो पिलाओगी या ऐसे ही? हाँ
आओ बेटा बैठ, बैठो बैठो बेटी बैठो। लो आ गए हमारी छाती पर मूंग दलने, घर की चौकीदारी करें हम और हक जमाने आ गए ये लोग। अरे सुनो जी, इनको इनका कमरा दिखा दो, चाय पानी तो होता रहेगा बाद में। अरे इतनी दूर से आए हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आराम कर लेंगे। चलो बेटा चलो अंदर कमरे में चलो। भूपिंदर जी जी। हाँ? क्या चाची जी, भूपिंदर जी नहीं मिल रहे, कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ है, जाके देखो गांव में कहीं होगा। भूपिंदर जी, 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 देखिए ना सरपंच जी कैसी हालत हो गई है बेचारी की। बेचारी बहुत अकेली पड़ गई है सरपंच जी, अब आप ही कुछ कीजिए। बहुत छोटी उम्र में मर गया बेचारा, लेकिन ऊपर वाले के सामने किसकी चली है, जिंदगी और मौत तो उसी के हाथ में है ना। तुम अकेली जरूर हो लेकिन बेसहारा नहीं हो, गांव का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है कि भैया सरपंच जी के होते हुए कोई अकेला नहीं है। हम तुमसे वादा करते हैं सुनहरी, जो कुछ हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। विधवा पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ा
तो हम जाएंगे तुम्हारी खातिर, पक्का जाएंगे, तुम्हें पेंशन दिलवा कर ही जाएंगे। अरे पति तो चला गया मगर अपने गांव की मिट्टी में ये गुलाब छोड़ गया। हाँ खुशबू है यार इसकी। अरे इस गुलदस्ते के माली तो हम ही बनेंगे, क्या कहते हो? सही बात कहे पिंटू। इससे पहले कि और भवरे इस गुलदस्ते पर मंडराए, चलिए थोड़ा आनंद हम भी उठा लें। अरे नेकी और पूछ पूछ फौरन चलिए चलिए। अरे 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 लाइए भाभी जी लाइए, आपका बोझ हल्का किए देते हैं, और वैसे भी गाँव वालों की तो जिम्मेदारी होती है। नहीं नहीं, अरे आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूंगी। अरे क्या बात कर रहे भाभी जी, इसमें तो ये तुम्हारा हक भी है और फर्ज भी, और एक कष्ट की बात, ये सब करने में तो हमें आनंद मिलता है। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ। अरे ओ पिंटू पिंटू, दादा होशियार हो रहे हो क्या? लगता है पिछली बार का पिटाई भूल गए हो। कोई बात नहीं, इस बार एक झापड़ में ना तुम्हारा सारा मजनूगिरी निकल जाएगा, समझे? चलो भागो। जी नमस्ते, मैं से पंकज यादव, रोजगार सेवक, रोजगार योजना का कर्मचारी, इसी गांव से और यहीं रहते भी है। वैसे इन लफंगों की बातों का बुरा मत मानिएगा, और आइंदा अगर ये परेशान करे तो बेझिझक हमें बताइए। एक मिनट, तुम वो भूपेंद्र की औरत हो? हाँ। बड़ा दुख हुआ भूपेंद्र का सुन के, अभी थोड़े दिन पहले ही सरपंच जी उसके काम के लिए कहे थे हमको। खैर अभी तो तुम्हारे वो विधवा पेंशन वाले काम के लिए कहे हमसे। अच्छा वो पेंशन वाला काम हो गया? अरे नहीं नहीं अभी नहीं, सरकारी काम है, अभी बात शुरू हुई है, काम होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर घबराओ मत, सरपंच जी खुद कहे तुम्हारा काम करवाने, जल्दी सचिव जी से मिलके कार्रवाई चला दी जाएगी, चिंता मत करो। जी ठीक है। तुम्हें कहीं छोड़ दे? धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी। भवरे ने खिलाया फूल, और फूल तो ले गया रोजगार सेवक। आइए आइए, गांव वालों को रोजगार दिलाने वाले रोजगार बाबू, कैसे आना हुआ? क्या बात कर रहे हैं सरकार, हम तो सेवक लोग हैं, सेवा करने आए हैं। वैसे आपको याद दिलाने आए थे कि कोयले में हीरा पड़ा पड़ा खाक छान रहा है, कितने दिन और धूल चढ़ने देंगे? आपका आदेश हो तो मुंह मीठा करने का उपाय ढूंढा जाए। बेबस इंसान जब तक खुद चलकर तुम्हारे पास ना आए तब तक वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। और आपका हिसाब तो काफी सीधा ही है सरपंच जी। चल 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 जल्दी कर, आजा। सुनो नजर जमाए रखना, और कोई भी आए तो बताना, समझे? हाँ ठीक है ठीक है। खुद का तो कोई इज्जत नहीं, घर की बहू बेटी को भी नहीं छोड़ते, बेहया बेशरम, पांच साल नहीं तो मार मार के भुट्टा निकाल देंगे। अजी सुनते हो?
भी खाली। चाची जी, दरवाजा खोलिए, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, कल से कुछ नहीं खाया हमने, थोड़ा चावल दे दीजिए। यहां से जाने की सोचना भी मत। अरे भाग्यवान, बेचारी बच्ची भूखी है, एक मुट्ठी चावल दे दो, तुम्हें दुआएं देगी। हाय हाय, बड़ा तरस आ रहा है ना उसके ऊपर तुम्हें। मुंह मत खुलवाओ मेरा, देख चुके हैं हम तुम्हारी सारी करतूतें अपनी आंखों से। हम तुमसे वादा करते हैं सुनहरी, जो कुछ हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। काका बहुत अच्छे इंसान है, तो सरपंच भी बन गए, तुम देखना ये हमारी मदद जरूर करेंगे। चिंता मत करो, हैं? ठीक है, जाओ जाओ। सरपंच जी। अरे सरपंच जी, क्या हो गया? सरपंच जी हमारी मदद कीजिए, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, अब तो लग रहा है कि सर पर छत भी नहीं रहेगी। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे अरे, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। ए लाखा जी, इनको कुछ खाने को दो, खुद खाएगी तभी तो अपनी औलाद को कुछ दे पाएगी। क्यों बैठो यहाँ पे, हैं? मैं कुछ जरूरी काम पे जाता हूँ, अभी मिलता हूँ। तुम्हारी पेंशन के लिए राशन कार्ड और बाकी कागजात भी बनाने पड़ेंगे। अब सरपंच जी का हुक्म है तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक पेज अभी भी फंसा हुआ है। क्या? पहले भी कह दे तुमसे, ये सब सरकारी काम है। अब माना कि सरपंच जी का हाथ है तुम्हारे सर पर, लेकिन वो तो हम जानते हैं, सरकारी लोग थोड़ी ना जानते, और सरकारी लोग इतनी आसानी से तो काम नहीं करते। तो फिर काम कैसे होगा? बच्ची तो हो नहीं, तुम जानती तो होगी सरकारी काम कैसे होता है, समय और पैसा दोनों लगता है, नीचे से लेके ऊपर तक सबके हाथ गर्म करने पड़ते, तब जाके कागज या फाइल आगे बढ़ती है, बिना लेन देन यहाँ कोई काम नहीं होता। तुम्हारे पास कुछ है क्या दोगी रिश्वत के नाम पे? जी मैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे आप बैठिए बैठिए बैठिए, सरपंच जी आएंगे जरूर, कोई ना कोई उपाय निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। मैं वो कागजात वगैरह के बारे में पता करता हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है? सरपंच जी, सरपंच जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू अभी तक गई नहीं? अरे काम काज नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से कमाएगी तू? मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तो ये योजना का सोचा। अब पैसे लाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को, मुझे लगता है इसका हल मैं ही निकाल सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम आओ मेरे साथ। ए लाखन, जरा बच्चे को पकड़ो, दे दो। अरे दे दो, दे दो, दो मिनट बच्चा दे दो, आ जाओ। मेरी एक खास बात करनी थी तुमसे, लोगों के सामने करता तो वो तुम्हारा नाजायज फायदा उठाते हैं। क्या? ये बताओ कि रुपया पैसा तो है ना तुम्हारे पास? नहीं सरपंच जी, जो कुछ भी था वो उनकी दवाई और क्रियाक्रम में खत्म हो गया, तो मेरे पास दो दाने खरीदने तक के पैसे नहीं। अरे 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 अरे, ऊपर से वो छोटा सा बच्चा, और काम भी नहीं करोगी तो पैसा कैसे कमाओगी?
चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा सारा खर्चा हम उठा लेंगे। सरपंच जी, अरे सरपंच जी बहुत, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो दुनिया की रीत है ना, लेन देन से ही दुनिया चलती है। अब हम ही सारा खर्चा करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो हम कंगाल हो जाएंगे, है कि नहीं? तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करने के बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, समझ रही हो ना? सरपंच ये क्या कर रहे हैं आप? अरे लज्जा आ गई, शर्मा गई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हम तुम्हारे लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, हैं? उसमें भी नखरे करोगी तो फिर कैसे चलेगा? आओ अंदर चलते हैं। जी हाथ मत लगाना। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, तकलीफ या किसी प्रकार का दर्द ना हो। ऐसी जिंदगी के उधेड़ बुन में हम हर किसी का सहारा नहीं बन सकते, हर गिरे को हाथ देकर उठा नहीं सकते। माना कि इस सोच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को जबरदस्ती ढकेल कर गिरा देना, क्या ये सही है? वो भी ऐसे गर्त में जहां से एक इंसान को निकालना तो दूर, उसे उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र और आज मैं आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में लेकर जा रही हूं जहां एक औरत है जो बहुत ही बेबस है। इस औरत की मदद करने के बजाय ये लोग अपने मन में उसके लिए गंदे मंसूबे पाल रहे थे। हर कोई गिद्ध की तरह सुनहरी को नोचने की तैयारी में बैठे थे। सुनहरी के मन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे थे, मुसीबत का पहाड़ उसके सामने था, वो उसे कैसे निपट पाएगी, क्या करेगी सुनहरी? वो सरपंच जी ने मेरे साथ, तुम यहाँ? वो सरपंच जी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। किसी के उपकार को ऐसा कहोगी तो कोई क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? थोड़ा सोच समझ के कहो। मैं सच कह रही हूँ पंकज जी, उन्होंने धोखे से मुझे कमरे में बुलाकर मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। नहरी, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। सरपंच जी को मैं क्या, पूरा गांव अच्छे से जानता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। और सुनो, मुझसे ये बात कही है, किसी और से मत कहना, वरना लोग उल्टे तुम पे उंगली उठाएंगे। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ठीक है, ठीक है, मैं अभी थाने जाऊंगी और वहां जाके शिकायत करूंगी, तब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे सुनहरी सुनो तो, हेलो सरपंच जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, पूरा गांव आपकी इज्जत करता है। चाय पीजिए। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ, कौन हो? जा रहे हैं हम, रास्ता भटक गए थे। अजीब लोग हैं, रास्ता भटक के सीधा यहीं आते हैं। आप चाय पीजिए। चाची जी, चाची जी, ये आपने क्या किया? मेरा सारा सामान आपने बाहर रख दिया। बहुरानी, इतना स्वांग भी अच्छा नहीं है। अरे रात रंगीन और दिन सादे। क्या कर रही तुम? क्या कर रही हो वैसे? आप चुप करिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। कहाँ जाएगी बेचारी? कहीं भी जाए, मुझे क्या मतलब है? ये शरीफों का गांव है, यहाँ ये रात की रंगलियां नहीं चलती है। चाची जी, आप ऐसा क्यों कह रही है?
मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आए, 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 बड़ी शरीफ बन रही है। अगर चोर ही चोर की गवाही देगा तो सजा किसे मिलेगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज पैदा हुई हूँ? मैं तुम्हारा ये खेल नहीं जानती। भगवान के लिए अब इस बुढ़ापे में हमारा मुंह मत काला करवाओ और दफा हो जाए यहाँ से। चाची जी मेरी बात सुनिए, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरे पास बस एक घर ही तो है, मेरा और मेरे मुन्ने का। आप लोगों के सिवा तो और कोई नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ जाओगी, पर दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे होते हुए हमारे गांव में एक अबला नारी के साथ अन्याय। तुम्हारी बहू है ना ये, तो इसे घर के अंदर होना चाहिए ना। ये तो घर चली जाएगी, लेकिन तुम भी जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी। नहीं 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 सरकार, आपको गलत फहमी हुई है। 10 मिनट के अंदर ये अंदर होनी चाहिए। हम किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। देखो सुनहरी, अगर मैं इंसान की जिंदगी बना सकता हूं तो मिटा भी सकता हूं, पर अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ है, कैसे जिंदगी गुजारोगी? देखो गरज तुम्हारी है, मेरी नहीं। हाँ, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। लेके जाओ अपनी बहू को अंदर। ऐसे घर से चली आई? बाद में लगा कि जो तुम सरपंच जी के बारे में कह रही थी शायद वो सच हो। मानने को तो दिल नहीं करता, लेकिन सच किसे बता। खैर, सरपंच जी से नहीं बनी कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें सचिव जी के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। और सरपंच जी, उनके बिना काम हो जाएगा? पहले सचिव जी से मिल लेते हैं, मिलने के बाद पता भी चल जाएगा। और हाँ, बच्चे को चाचा के पास छोड़ दो, पता नहीं वहां कितना टाइम लगे। ये तो कोई गोदाम लग रहा है। अरे चलो बता दे अंदर। बड़ी अकड़ है ना तुम्हारे अंदर, आज वो सारी अकड़ उतार देंगे। कोई है? इज्जत की पूड़िया बांधे घूम रही थी ना, वो तो खुल गई। अब मान लो इतनी सी बात है, इतनी सी सेवा करनी है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। चली जाओ सरपंच जी के पास। आखिर क्या करोगी तुम, कोई देखने वाला भी नहीं है। चली जाओ। No!
रख ले, दाम नहीं दे रहा हूं, खुशी से दे रहा हूं। और हाँ, ऐसे ही आती रहना है, तेरे बहुत से काम करवा दूंगा मैं। ये कागजात अभी सिर्फ कागज ही हैं, इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि ये अवैध है। अवैध है मतलब जाली है? नहीं, अवैध ये तब बनेंगे जब सचिव जी इस पर सरकारी मोहर लगाएंगे। इसका मतलब है वो बताएंगे कि वो तुम्हारे पति भूपेंद्र को जानते थे। तुम जब विधवा हुई थी तब भी वो तुम्हें जानते थे। एक हिसाब से वो तुम्हारी गारंटी दे रहे हैं। क्यों भाई? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हें तो क्या तुम्हारे पति भूपेंद्र तक को नहीं जानते थे? लेकिन मैं तो इसी गांव से हूँ। अरे तुम्हें पहले भी समझाया था, सरकारी काम में बिना लेन देन के पत्ता भी नहीं हिलता है। सचिव साहब ऐसा क्यों करेंगे? और वो तो बहुत सख्त आदमी है, बिना पैसे के तो वो कुर्सी से भी नहीं उठते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? और बड़ी मुश्किल से मैंने सचिव जी को राजी किया है, और वो मान भी गए हैं तुम्हारा काम करने के लिए। बस अब तुम उसे खुश कर दो, वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा मैंने किया, मजबूरी थी, लेकिन अब ये सब कुछ मुझे नहीं करना। मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मैं ये सब नहीं कर सकती। नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे या पेंशन। पेंशन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तू गुजारा कैसे करेगी? तू अपना पेट पालना है, अपने बच्चे का पेट पालना है। एक तो हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमें नजरें दिखा दी हो। जाओ अंदर जाओ, सचिव जी अंदर ही बैठे हुए हैं। तू क्या कर रहा है भाई? लेके जाना है इसको अंदर।
एक मरे हुए जानवर को जब गिद्ध नोचते हैं तो वो दृश्य हमें भयभीत कर देता है, एक सिरन सी पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ एक जीवित महिला को 13 लोगों ने मिलकर गिद्ध की तरह नोचा, उनके मन में जो कुछ भी आया वो सब कुछ किया। ये बहुत ही डरावनी बात है, लेकिन इससे भी डरावनी बात यह है कि ऐसे गंदे और गिरे हुए सोच के इंसान आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। इन 13 लोगों ने मिलकर ना सिर्फ सुनहरे के तन को बल्कि उसके मन को भी आघात पहुंचाया। शायद इसके बाद इंसानियत पर भरोसा करना सुनहरे के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हर बार वो यही सोचती रही कि इससे वो कब और कैसे छुटकारा पाएगी। वो एक ऐसे गर्त में फंस चुकी थी जहां उसे ऐसा लगता था कि एक कदम रखने के बाद जब वो दूसरा कदम रखेगी तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहां उसके हर बढ़ते कदम एक अंधेरे की ओर ढकेल रहा था और वापस आने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। और यह सिलसिला सिर्फ सरपंच, रोजगार सेवक और सचिव तक नहीं थमा। 3 सालों तक उसे इस पीड़ा से गुजरना पड़ा जिसमें 13 लोगों ने सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया। लेकिन दुख की बात यह है कि इन 3 सालों में ना ही उसका राशन कार्ड बना और ना ही उसकी विधवा पेंशन शुरू हुई, बल्कि सिर्फ उसका शोषण हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सिर्फ सुनहरी को ही नहीं बल्कि सबको चौंका दिया। सब सही है ना? नॉर्मल है ना रिपोर्ट? क्या हो गया, कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? ये लीजिए आपकी रिपोर्ट, इसमें आपका HIV पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव? पॉजिटिव मतलब ठीक ही होता होगा। अरे नहीं भैया जी, पॉजिटिव मीन्स आपको संक्रमण हो गया है। अब डॉक्टर साहब आएंगे वो भी यही कहेंगे कि आपका HIV पॉजिटिव आया है। क्या? अबे झोला छाप कंपाउंडर, बकवास मत कर। तो डॉक्टर नहीं है जो रिपोर्ट पढ़ के बता रहा है? क्या पढ़ाई की है इस नौकरी के लिए, कुछ आता भी है? देखिए भैया जी, ये बात सच है कि नौकरी हमें हमारे चाचा जी लगवाए, चाचा जी विधायक है हमारे, पर आता हमें सब है। आपको शौक लगा है ना, इसीलिए आप बहाना बना रहे हैं। शौक हमको नहीं, तुमको जरूर लगवाएंगे। इस बकवास रिपोर्ट पे हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है, शहर जाके टेस्ट कराएंगे। हेलो सरपंच जी। हाँ पंकज बोलो। सरपंच जी गजब कांड हो गया है, एकदम इमरजेंसी है, समझिए। डॉक्टर रिपोर्ट? रिपोर्ट कल तक आएगी। सचिव जी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने ही मुझे बताया है। बस अब तुम तो ये दुआ मांगो कि हम लोगों को वो रोग ना हो। आपका शक सही था, वो लड़की HIV पॉजिटिव है। सरपंच जी, जब उसकी लाठी पड़ती है ना तब आवाज नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है। तुम लोगों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाए, मुझे बेबस करके तिल तिल नोचा, मेरी मदद करने के बजाय मेरा शोषण किया। लेकिन मेरी हाय से बच नहीं पाए,
अब तुम लोग भी उसी तरह तड़पते रहोगे जैसे मैं तड़पी थी। मेरा पति मर गया और मुझे एक जिंदा लाश बना दिया गया। लेकिन सरपंच जी, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका वो होता है। और अब उन्होंने आप सबको भी एक जिंदा लाश बना दिया। अब सब लोगों की सच्चाई सामने आकर रहेगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। देखिए, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप हमें बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? कौन है वो लोग? सरपंच जी, कोई तो चक्कर चलाना पड़ेगा। उस सुनहरी ने पुलिस को सब बक दिया है। पुलिस कभी भी मुझे धर लेगी। डरती है तो धर ले, मुझे क्या लेना देना। इतने नीच काम किए तूने, हैं? दलाल कहेगा निकल। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं आप, बिल्कुल सही टाइम पे। देखो, इसे मैंने पकड़ के रखा है, ले जाओ। इसने बड़े नीच काम किए हैं इसने गांव में। इस खोखली शराफत का स्वांग अब और नहीं चलेगा। आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सचिव जी तो पहले से जेल में है, अब आप और इसकी पंकज की दोनों की बारी है। ले चलो दोनों को। देखिए, चलिए। जानता है ना मैं सरपंच हूँ। सुनहरी के ब्लड रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया था कि वो HIV से संक्रमित है, और डॉक्टर्स का यही मानना था कि उसे ये बीमारी उसके पति से मिली थी। इस अपराध में लिप्त सभी अभियुक्त जिन्होंने जबरन सुनहरी के साथ संबंध बनाए, वो इस बीमारी से ग्रसित हुए। सुनहरी अपनी इस बीमारी से अनजान थी, और अनजाने में उसने 13 लोगों को संक्रमित किया। HIV को लेकर हमारे समाज में काफी भ्रांतियां हैं, तभी तो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में काउंसलिंग की सुविधाएं हैं। जो इस रोग से संक्रमित है, उन रोगियों को बहुत सावधानी बरतनी होती है, और इसी काउंसलिंग के दौरान सुनहरी ने उन सभी अभियुक्तों के नाम बता दिए जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये खबर आग की तरह फैली, और इसका नतीजा ये हुआ कि सभी सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया। इस केस के सारे प्रमुख अपराधी अब पुलिस के हिरासत में हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। कोई तो है जो हमारे सही और गलत का हिसाब रखता है। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्र आपसे विदा लेती हूँ। एक और चौंकाने वाले केस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप रहिए अलर्ट, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल TV YouTube चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।